एक मिनट। आप थोड़ा अपना परिचय। ये हम देखिए सभी कोई ना कोई मनोकामना लेके और 84 को उस पर निकले हैं। हम ये मनोकामना लेके 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान और ये हैं आलोक, ये हैं मोहम्मद चांद, वो है नीलेश। हम लोग सद्भावना हो हाँ, इसके लिए रामही केवल प्रेम प्यारा जान ले हसो जानन हार। तो प्रेम है यही धर्म है। देखिए आप उद्धव, आप तो इतने ज्ञानी हैं, उद्धव और अस्थान में क्या था, उद्धव और श्री कृष्ण, उद्धव कहते थे ज्ञान सब कुछ है, श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया। और यही इस्लाम धर्म में भी है। प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा खैरुन नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है, तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए जो दाढ़ी थे, मैं यन फाउन नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो वो अच्छा है। तो यही धर्म का मेन मतलब है, धर्म न दूसर सत्य समान। तो आपको कितने दिन हुए दिल्ली से? आज हमें 5वां दिन है और हम पूरी 84 कोस में पूछते हैं क्या लेने आए हो। तो हमने कहा देखो इस वक्त दुनिया में सब कुछ है, इंजीनियर कॉलेज इतने हैं कि एक लिखा होता है एक भाई का एडमिशन लो दूसरे को फ्री, डॉक्टर भी हैं, लेकिन प्रेम करने वाले भी हैं। तो वही हम ब्रज की जो धरती है इसमें कुछ भी हो लेकिन प्रेम है। वो हमने फील किया है चेहरों पे। कहीं भी मुझे ऐसे देख के लोग परेशान होते तो कहते भाई देखो बुरा नहीं मानोगे, हम एक बात पूछे तुम क्यों आए। तो मैं उनको कहता था कि देखो जैसे पानी सबका है, सही बात, वो दावा नहीं कर सकता है, हवा सबकी है, इसीलिए अल्लाह अल खल्क कुल्लुहुम अयाल अल्लाह। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि सारी कायनात एक परिवार है, तो इसीलिए निकले हैं। कृष्ण तो सबके हैं, उनकी मोहब्बत सबकी है। तो आप ब्रज में आए, ब्रज में आके आपको कैसा? बहुत प्रेम। देखिए वो बोलने का नहीं था लेकिन चेहरों से दिख जाता है, आपके चेहरा बता देता है कि आपको तो ऐसी सद्भावना, ऐसा प्रेम। कई लोग कह भी रहे थे ये समय सही नहीं है, तो मैंने कहा यही समय सही है। इस टाइम देश को और दुनिया को पूरी भारत के जरिए सद्भावना और मोहब्बत की वसुधैव कुटुंबकम। साइकिल से ही निकले हम लोग? नहीं, दिल्ली से हम वृंदावन तक आए, फिर वृंदावन से मदन टेर से हमने अपनी यात्रा शुरू की और सारे मंदिरों और सब दर्शन के जो स्थान। आप देखिए 5000 साल हो गए लेकिन वो रास्ते जिंदा है, वो मिट्टी जिंदा है। इसलिए जिंदा है कि ये कानून है कुदरत का कि मोहब्बत करने मीरा जिंदा है। राजस्थान की कितनी रानियां हैं जिनको कोई नहीं जानता, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया नबाती। और अभी 15 दिन बाद करोड़ों चिराग जलेंगे श्री राम के नाम के, तो क्यों मोहब्बत। तो आप इस समाज को क्या मतलब क्या देना चाहते? मेरा यही है, देखिए जो सच्चा क्विक फिक्स अगर सच्चा है तो जोड़ करेगा, तोड़ेगा नहीं। अगर क्विक फिक्स आप लाओ और जोड़ो और वो जुड़े नहीं तो आप कहोगे ये नकली है। धर्म अगर सत्य है तो वो जोड़ेगा, और अगर उसमें वो धर्म के नाम पे मैं मस्जिद जाने के बाद और संकीर्ण हो रहा हूं तो फिर मेरी मस्जिद को बुल्ले शाह कहते ढा दो, मंदिर ढा दो, मस्जिद ढा दो। जैसे एक अस्पताल है उसमें अभी सही होने जाता है। तो धर्म का यही जो सच्चा रूप है वो ये है कि हम एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की करुणा, एक दूसरे की तकलीफ उसको बर्दाश्त करें। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण का रास्ता है, ये तो पैगंबर है। कोई मुसलमान भी मुझसे पूछता है आप क्यों निकले, मैंने कहा ये तो पैगंबर है श्री कृष्ण। तो आपका यहाँ ब्रज में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे मिलकर हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। और आप अगर आपके पास समय हो तो आज यही आप प्रसाद करें दोपहर को, अब इसे हम जो पाएंगे तो बहुत और ज्यादा समय लेके प्रसाद नहीं, भोजन करके जाना ये बोल रहे हैं। भोजन दे।